नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महोबा के ग्राम धौरा में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और खेल मंत्री गृह मंत्री अमित शाह के निजी सचिव राकेश मिश्रा के पिता की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर पहुंचे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने धौरा गांव में नवनिर्मित खेल परिसर का शुभारंभ किया। साथ ही मंत्री श्री मौर्य ने लगभग 33 करोड़ की लागत से बनने वाली विभिन्न सड़कों का शिलान्यास भी किया है। इस दौरान श्री मौर्य ने बिना नाम लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। मध्य प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था पर भी टिप्पणी की और कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार जनता के वादों पर खरी नहीं उतर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च संविधान पीठ ने पूरी सुनवाई कर ली है और मुझे लगता है कि सभी लोग अब फैसला आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और करना चाहिए। यही अब सबसे अपील सर, बुंदेलखंड में किसानों को फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराया गया था, उसका बीमा लेकिन नहीं मिला। किसानों ने बीमा कराया लेकिन लाभ नहीं मिला। बीमा को लेकर के जो शिकायत है वो विधायक जी के द्वारा यहाँ सार्वजनिक रूप से भी उठाई गई है और हम देखें कोई बीमा बंद हो गया है, रोजगार बंद हो गया है। सर यहाँ की सबसे बड़ी सर पत्थर मंडी का जो व्यापार था पूर्ण रूप से बंद है और मजदूर जो है पलायन करने को मजबूर है। हम सर विदेशों से पैसा मांग रहे हैं लेकिन हमारे जिले का ही भी पूरा कारोबार क्या है। हाँ, अध्ययन कर लेंगे और अध्ययन करने के बाद सर सड़कें गड्ढा मुक्त अभी तक नहीं। अरे एक मिनट, हाँ मुक्ति का अभियान तीव्र गति से चल रहा है और जल्दी से जनपद में आज गड्ढे सर जिला सर 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 जिला पंचायत द्वारा सर बनी हुई सड़क दो सर उखड़ गई है पूरी तरह से। सर कैसा होगी, वर्षा के कारण उसके नीचे का अभियान है पूरे प्रदेश में सभी विभाग अपनी अपनी सड़कों को सुधारने का काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज